हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप तो बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम। तो आपके स्टडी मैट में 25 to 30 के आसपास एमसीक्यूज है, वो सारे एमसीक्यूज हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है? द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस अंडरटेकिंग अदर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, डायरेक्ट कॉस्ट। देखो डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है हमारा, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है, हमारी प्राइम कॉस्ट भी आती है, और प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, बिकॉज फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, और प्राइम कॉस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही है। ठीक, अब बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट को हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें वो सारी कॉस्ट आती है एक्सेप्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट को छोड़ के, यानी लेबर प्लस हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, दोनों को हम इंक्लूड करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में तीनों कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यानी कॉमर्शियल कॉस्ट क्या है, नहीं इंक्लूडेड होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट कॉस्ट? देखो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिलेवेंट है, बिकॉज इसमें हमारा कैश का आउटफ्लो होगा, हमारे जेब से पैसा जाएगा, हमें न्यू मशीन परचेज करना है डेफिनेटली। मार्जिनल कॉस्ट भी हमारे लिए रिलेवेंट है, बिकॉज यहाँ भी जितना यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे उतने यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ते जाएगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आपके लिए रिलेवेंट है, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमेशा फ्यूचर के लिए डिसाइड किया जाता है। संक कॉस्ट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ठीक, बिकॉज संक कॉस्ट क्या होता है, पास्ट कॉस्ट होता है। जैसे आपने कोई ऑलरेडी मूवी की टिकट अब आपने परचेज कर ली, अब वो कॉस्ट आपके लिए इरिलेवेंट हो गया, संक हो चुका है, अब आपको डिसीजन में कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता। प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन कंस्ट्रक्शन कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, एयरलाइंस कंपनी और ऑन दिस। मैंने आपको बताया था प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ यूज होती है जहाँ पे गुड्स एक से ज्यादा प्रोसेस से होकर बनती है, रॉ मटेरियल। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी वो प्रोसेस कॉस्टिंग को भी फॉलो करते हैं, इनिशियल स्टेज में गुड्स एक से मल्टीपल प्रोसेस से होके तब जाके बनती है। कि मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस इन्होंने पूछा है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव है, हेल्प टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये भी है, एड टू फिक्सेशन ऑफ सेलिंग, ये भी है। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव। अदरवाइज यहाँ पे अगर जाता है ऑल ऑफ द एबव, तो आप ऑल ऑफ द एबव लगाते हैं आंसर। ऑपोजिट कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रिलेवेंट होती है, बिकॉज आप लास्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरवर्ड कर रहे हो और उसके लिए आप एक कॉस्ट चार्ज करते हो। जैसे आप ऑलरेडी वर्किंग हो, तो आपकी जो लास्ट जॉब की जो सैलरी होगी उससे ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन करोगे अपने नेक्स्ट जॉब की सैलरी, यानी वो कॉस्ट आपके लिए क्या होगी, रिलेवेंट कॉस्ट होगी। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमीबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज। फंक्शनल क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस होता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोल नहीं, बिकॉज जो कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल होता है, यानी बिहेवियर क्लासिफिकेशन, यानी बिहेवियर मतलब फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स है, उसका बिहेवियर कैसा है, फिक्स ही नेचर है। वेरिएबल कॉस्ट उसका नेचर क्या है, वेरिएबल है, बढ़ते घटते रहता है। सेमी वेरिएबल ये सारे क्या है, बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन। विच ऑफ द मेथड कॉस्टिंग इज डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जब मैंने आपको जॉब कॉस्टिंग बताया था तो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। वहाँ पे हर बायर वाइज हम स्पेसिफिक कॉस्ट करते हैं, तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे जॉब कॉस्टिंग होता है। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल। मैनेजमेंट का इन सारे कॉस्ट में किसके ऊपर सबसे कम कंट्रोल हो सकता है, वेजेस की कॉस्ट पे नहीं। वेजेस तो मैनेजमेंट जब चाहे तब कम कर सकती है, जब चाहे तब बढ़ा सकती है। बिल्डिंग की इंश्योरेंस, मेरा मन है मैं नहीं करवाऊंगा, मन है तो करवाऊंगा, ये भी कॉस्ट को मैं कम कर सकता हूँ। मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट, इसको भी मैं कम कर सकता हूँ, मैं रूटीन मेंटेनेंस करके मैं अपनी मशीन के ब्रेकडाउन के कॉस्ट को मैं कम कर सकता हूँ। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मैं इसको कम नहीं कर सकता। पूछो कैसे, आपको सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेंगे, नहीं तो आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे ही नहीं। आपको अपने बायर्स को, अपने सप्लायर्स को आपको गिफ्ट देने ही पड़ेंगे दीपावली के टाइम, उसको आप कम नहीं कर सकते। तो ये खर्चा एक ऐसा है जो हर एक कंपनी को करना ही पड़ता है। अभी आप देख सकते हो IPL का सीजन आ चुका है, एंड IPL में क्या होता है, कोई ना कोई कंपनी IPL को स्पॉन्सर करती है, अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, उसमें कितने करोड़ों के बिड्स लगते हैं। तो ये जो हमारा एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
वेरिएबल कॉस्ट आर फिक्स, यस वेरिएबल कॉस्ट हमारा फिक्स कैसे होता है, पर यूनिट में फिक्स होता है, टोटल में वेरी करता है। इन बिहेवियर एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ऊपर वाला। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट, मैंने आपको पहले बताया था। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एक कॉस्ट शीट से क्वेश्चन टाइप किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट, इनकम टैक्स को हम लेते हैं नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कैश डिस्काउंट नहीं लेते, यानी ऑल ऑफ दी अबव। द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट, इसमें से कौन सा है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इंक्लूड होता है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता। ये भी इंक्लूड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड होता है, रॉयल्टी भी होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन के आता है, बट डिविडेंड पेड आप कहीं नहीं इंक्लूड करते। कैरेज एंड फ्रेट आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाता है, एक्साइज ड्यूटी भी रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाता है। एडवर्टीजमेंट आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंसेस आपका सेल्स का पार्ट है। विच कॉस्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 20 इनग्रेव डोर्स ऑफ द न्यू क्लब हाउस एट ए गोल्फ कोर्स, ये देखो गोल्फ कोर्स बना रहा है और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला 20 हमें क्या बनाना है, इन ग्रेव डोर्स। अब हमें डोर्स बनाना है, 20 डोर्स हमें बनाना है। तो अब देखो 20 डोर्स को तो हम एक साथ प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, बैच कॉस्टिंग लग जाएगा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट मे बी करेक्टली टर्म्ड एज, प्राइम कॉस्ट को करेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, दिस सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच ऑल अदर कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, नहीं, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं आता है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट्स, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए फिनिश्ड गुड्स, दिस सम ऑफ द लार्ज कॉस्ट दैट इज ए प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी देखो 16 के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन होगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट ये लिखा हुआ, जो भी प्रोडक्ट पर डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है। डायरेक्टली चार्ज कौन कौन से कॉस्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों कॉस्ट को हम डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। द गाइडेंस एंड रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग इज सेड टू बी द गाइडेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड अंडरटेकिंग इज सेड टू बी कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम रेगुलेट नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं करते, गाइडेंस नहीं करते, कॉस्ट एनालिसिस भी नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पे तो हम एनालिसिस करते हैं कॉस्ट कंट्रोल। डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर ऑल्सो नोन एज ऑपरेट एक्सपेंसेज, प्रोसेस एक्सपेंसेज, चार्जेबल एक्सपेंसेज, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेज को आप बोल सकते हो चार्जेबल एक्सपेंसेज, देखो चार्जेबल एक्सपेंसेज का मतलब ये तीनों खर्चे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ, इनडायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट का पार्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट नहीं, चार्जेबल एक्सपेंसेस नहीं, नॉन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मेटेरियल आता है, ये हो जाएगा। देखो जो आपके कॉटन जो कंज्यूम होते हैं, कुछ ऐसा कंज्यूमर्स जो कंज्यूम होता है, सब कुछ फैक्ट्री के अंदर होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट बनता है। Which of the following is a part of both prime cost and conversion cost? इसमें से कौन सा ऐसा है जो prime cost का भी part होता है और conversion cost का भी part होता है? देखो direct material तो होगा नहीं, indirect material होगा, indirect material, indirect material, indirect labor, indirect material और direct labor। इसमें से which of the following is the part of both prime cost का भी part है और plus conversion cost का भी part है, यानी हमारा direct labor। डायरेक्ट लेबर हमारा प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट होता है एंड कन्वर्जन कॉस्ट। अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर भी हमारे प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल हमारे दोनों जगह इंक्लूड होता है, प्राइम कॉस्ट के अंदर भी आता है और कन्वर्जन कॉस्ट के भी अंदर आता है। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ही तो हमारा ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट बताता है। द वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी तो फैक्ट्री कॉस्ट की बात करता है, वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ऑवरहेड क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो बनता है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ, देखो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कहाँ जाता है,
अब डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन ऐसे जनरली अगर क्वेश्चन में दिया रहा हो, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ब्रैकेट में अगर वर्क लिख दे तो फैक्ट्री का है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ब्रैकेट में सेल्स लिख दे तो सेल्स का है, लेकिन अगर कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो आप क्या मानोगे? कुछ ना दिया हो तो हमेशा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन लॉन्ग टर्म फिनोमिना इज चार्जेबल दी स्टैंडर्ड इट इज कैरिड आउट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। नहीं देखो, यहाँ पे जो हम करते हैं वहां पे हम क्वालिटी को भी देखते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होगा, लॉन्ग रन भी, बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन एक सिंगल डे में नहीं हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स चाहिए आपको, बार बार आप एनालिसिस करो और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कॉस्ट रिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल क्या होता है? एक नोशनल कॉस्ट है इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल एक नोशनल कॉस्ट है। तो ये सारे मैंने एमसीक्यू देखे, फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से देख लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बहुत बताऊं, ट्रू फॉल्स ये सब आप खुद से आप देख सकते हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं, आप इन सबको आप बाई सेल्फ आप टेक कर सकते हो। हाँ, मैं कुछ और एमसीक्यू जो आपके एमसीक्यू के बुक में है वहाँ से मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।